चैनल इंडिया सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान, धारा 153 के तहत मामला दर्ज होने पर बोले आरिफ मसूद, मेरा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, मैंने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला, मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया उसका रिएक्ट करने का मुझे संवैधानिक अधिकार है। और क्या कुछ कहा आरिफ मसूद ने, आइए सुनते हैं। बोल इंडिया न्यूज के लिए भोपाल से नावेद अली की रिपोर्ट। मुझे कल रात में एक प्रेस के जरिए पता चला कि मुझे मेरे ऊपर एक धारा और एक मुकदमा दायर कर दिया अलग से 153 का। मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा एक प्रोटेस्ट था, शांति का प्रोटेस्ट था, 25,000 लोग जमा हुए और मैंने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला। मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया तो उसका रिएक्ट करने का संवैधानिक मुझे अधिकार है और मैं उस संवैधानिक अधिकार के दायित्व में निभाते हुए उसका प्रयोग करते हुए मैंने अपनी एक प्रजातांत्रिक ढंग से बात रखी और मैंने ये कहा कि किसी को किसी की इजाज़त नहीं है मज़हब के बारे में बुरा कहना। उसके बावजूद मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाया, फिर दूसरा एक और कर लगा दिया। मैं उसकी निंदा करता हूँ क्योंकि ये दबाव में आके किया गया। दूसरा भी दोबारा मुझे जानकारी मिली कि मेरा महाविद्यालय का भवन जो कि डीम्ड परमिशन है, जिसकी न्यायालय से परमिशन मिल चुकी है, उस भवन के हिस्से को आज तोड़ दिया, जबकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे था, उसके हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। संवैधानिक हिसाब से जो बनेगा वो हम लोग अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे और जो भी बच्चे तालीम के लिए परेशान हो रहा है उनसे दरख्वास्त है कि वो घबराएं ना। तालीम तो हमारा हाल में देंगे, पढ़ाई तो बच्चों को कराएंगे, चाहे खुले मैदान में कराएं, अगर परमिशन मिलेगी तो बिल्डिंग बनाएंगे, नहीं मिलेगी तो खुले मैदान में कराएंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे ज़रूर। और ये सरकार ने एक दबाव वाला काम करा है, लेकिन मैं लोगों से शांति की अपील करता हूँ कि हमको अमन कायम रखना है और हमें अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार पाने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो कुछ भी होगा संवैधानिक रूप से वो हक मांगते आएँ, मांगते रहेंगे, जो हक है वो हक कहते आएँ और हक आगे भी बोलेंगे।